तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ पपाया यानी कि पपीते के बारे में, जिसके स्किन पे और हमारी बॉडी पे काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हाउ इज़ इट हेल्पफुल टू अवर स्किन। पपाया में दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेपेन और काइमोपेपेन, जो कि इन्फ्लेमेशन दूर करते हैं। और पेपेन जो है वो आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है और पोर्स को क्लीन करता है। तो जिन लोगों को एक्ने का प्रॉब्लम है वो इसे फेस पैक बना करके यूज़ कर सकते हैं 3 days in a week। सिर्फ इसी को यूज़ करें, पपाया के पल्प को, और वो काफ़ी अच्छे चेंजेस देखेंगे, अपने एक्ने को जाते हुए देखेंगे, अपनी स्किन को क्लियर होते हुए देखेंगे। दूसरा, पपाया में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है, जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स को वो दूर रखता है। पपाया कोलेजन को मेंटेन करता है और कोलेजन जो है आपकी स्किन को यंग रखता है, सपल रखता है और स्किन टाइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। तो पपाया कोलेजन को मेंटेन करता है। पपाया में ई और सी विटामिन पाए जाते हैं, जो कि अगेन आपकी स्किन के रिजुविनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। पपाया एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, तो जिनको डिस्कलरेशन है या डार्कनिंग का प्रॉब्लम है या जिनको अंडर आई में ये जो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, वो पपाया का जो पल्प है उसको अप्लाई कर सकते हैं 3 times, और चेंजेस देख सकते हैं। अगर आपको पपाया को और स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट बनाना है तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू के साथ पपाया का पेस्ट बना रहे हैं, यानी कि पल्प पपाया का और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, तो आप कभी भी उसे दिन में या सुबह यूज़ ना करें, क्योंकि नींबू लगाने के बाद जब हम सन में जाते हैं तो वो हमारी स्किन को फ़ायदा पहुंचाने की जगह डैमेज करता है। तो अगर आप नींबू लगा रहे हैं तो प्लीज़ रात में लगाइए, सोने से पहले लगाइए, और उसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहे कुछ यूजेस पपाया के जो कि स्किन के लिए हैं, और काफ़ी आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा, क्योंकि जब मुझे शुरू में जब मेरा मेलाज्मा कम था तो मैंने पपाया का यूज़ किया था और मेलाज्मा वैनिश हो गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और मेरा पिगमेंटेशन वापस आ गया। तो अगर आप शुरू में आपको लगता है कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन शुरू हुआ है, तो आप प्लीज़ पपाया का इस्तेमाल करिए और रेगुलर यूज़ करिए। रोज़ यूज़ मत करिए, ऑल्टरनेट डेज़ में यूज़ करिए, बहुत देर तक स्किन पे मत रखिए। 15 minutes और 10 minutes इज़ इनफ इफ़ यू आर यूजिंग इट रेगुलरली। यू विल नॉट नीड एनी अदर थिंग इफ़ यू आर यूजिंग पपाया कंटिन्यूसली ऑन योर स्किन। और जिनको ड्राइनेस होता है स्किन का, वो हनी और मिल्क के साथ अगर पपाया का पल्प यूज़ करते हैं फेस पैक में, तो उनकी जो ड्राइनेस होती है वो दूर हो जाती है और स्किन ग्लो करती है। इस पैक को आप 2 times लगा सकते हैं। ड्यूरेशन वही है कि पैक को आप 15 मिनट्स तक अपने फेस पे रखें। जो लोग पपाया पल्प या पपाया नींबू के साथ यूज़ करते हैं, उसको धोने के बाद आपको जो मैंने अपना असेंशियल ऑयल का एप्लीकेशन बताया था स्किन पे, वो असेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स और भी अच्छे आएंगे, आपकी स्किन और भी ग्लो करेगी, आपका जो भी डिस्कलरेशन, डार्क स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, वो सब आपकी स्किन से अपने आप ही धीरे धीरे रिमूव होते चले जाएंगे और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अब हम आते हैं पपाया के और क्या यूजेस हैं, क्योंकि पपाया एक एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप इसे रेगुलरली लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होती है, और ये एंटी कैंसरस है इसकी वजह से, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है, तो ये एंटी कैंसरस है, ये कैंसर होने नहीं देता। दूसरा, ये आपके हार्ट को बहुत स्ट्रांग रखता है, तो जितनी भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो इनको बे पे रखता है। आपका वेट लॉस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये फाइबरस है, तो अगर आप रोज़ अपने इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपके स्टमक को फिलिंग रखता है, आपको बेवजह भूख नहीं लगती और आपको सारे मिनरल और न्यूट्रिशंस अच्छी तरह मिलते हैं। पपाया में जो विटामिन ए होता है वो आपकी आई की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो इसमें विटामिन सी होता है वो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। पपाया और कैसे यूज़ होता है, पपाया एज आई सेड की ओबेसिटी को दूर करता है। जिन लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है या जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है,
धीरे धीरे डाइजेशन होता है, गैस्ट इरिटेटिंग बोल सिंड्रोम है, वो लोग अगर पपाया का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं एक सर्टेन अमाउंट में, तो उनका कॉन्स्टिपेशन, ये स्लो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। पपाया में पेपेन होता है और पेपेन टफ प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, तो इसीलिए डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपकी प्रोटीन के अब्सॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा, क्योंकि वो प्रोटीन को इजीली ब्रेक करता है। पपाया को मॉर्निंग में खाली पेट नहीं लेना चाहिए। पपाया का अगर आपको लेना है, कंजम्पशन करना है, तो खाने के एक घंटे बाद लीजिए, यानी कि ब्रेकफास्ट के एक घंटे बाद लीजिए, और दिन में किसी भी टाइम लीजिए, लेकिन खाने के एक घंटे पहले या एक घंटे बाद लीजिए। सिट्रस फ्रूट या कर्ड के साथ पपाया ना लें, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी हो सकती है। पपाया का एक क्वांटिटी होता है, उससे ज़्यादा पपाया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको इरिटेशन, इट कैन कॉज इरिटेशन इन योर बॉडी। तो 150 से 200 ग्राम आप पपाया लीजिए पूरे दिन भर में, और इसको कर्ड और जो ये सिट्रस फ्रूट है उनके साथ ना लीजिए, क्योंकि इससे आपको एसिडिटी होगी। और खाने के पहले आप एक घंटा पहले या एक घंटा बाद लें, खाली पेट ना लें। ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के एक घंटे बाद आप पपाया ले सकते हैं। किन लोगों को पपाया नहीं लेना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज़ को पपाया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है और इससे आपके एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं उनको पपाया बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को लो ब्लड शुगर है, पपाया इज़ नॉट अलाउड। बच्चे जो कि 1 साल से कम हैं उनके लिए भी पपाया सूटेबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप पपाया को ले सकते हैं। कई लोगों में इरिटेशन भी होता है पपाया लेने का, तो आप थोड़ा थोड़ा लेके देख सकते हैं। अगर आपको इरिटेशन कोई नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर 200 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए एक दिन में। और एप्लीकेशन, फेस एप्लीकेशन भी रेगुलरली नहीं करके ऑल्टरनेट कीजिए, या हफ्ते में 2 बार कीजिए। तो ये थे पपाया के फायदे, तो इसे यूज करिए और अपनी लाइफ को हैप्पी हैप्पी और हेल्दी हेल्दी बनाइए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।